होंडा साइन 100 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि 100 सीसी के सेगमेंट में सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। इसका ऑन रोड प्राइस ही 75,000 रुपीज़ के आसपास आता है और ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च भी होती है, तो आपका वेरिएंट का भी चिंता नहीं है। तो एक ऐसी मोटरसाइकिल जो 75,000 ऑन रोड प्राइस में आती है, मतलब आज की डेट में एक्स शोरूम प्राइस 75,000-75,000 रुपये आता है, ये ऑन रोड 75,000 रुपये की आती है, जिसके सामने अगर हीरो की HF डिलक्स को भी रखा जाए तो वो भी इसके सामने 81,000 रुपये, यानी लगभग 6,000 रुपये महंगी है, जो कि हीरो की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि अगर आप एक 100 सीसी की सबसे हल्की मोटरसाइकिल और सबसे सस्ती मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं तो आपको इस मोटरसाइकिल में क्या क्या कंपनी ऑफर करती है। सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो डिज़ाइन अगर देखा जाए तो ये HF डिलक्स से भी काफ़ी बड़ी बाइक है, इवन स्प्लेंडर से भी बड़ी बाइक है, लेकिन हम स्प्लेंडर से कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो 12,000-14,000 रुपये इससे ज़्यादा महंगी आ जाती है, तो हम इसको TVS स्पोर्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम HF डिलक्स से ही कंपेयर करें क्योंकि TVS स्पोर्ट बहुत ज़्यादा सेल आउट होती भी नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये थोड़ी सी बड़ी बाइक हो जाती है, जिससे कि जिसका जो कंपटीटर है वो थोड़ा सा महंगा भी आता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर हम की को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैसे तो अभी स्टार्ट मैंने नहीं किया है, लेकिन इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है और इंडिकेटर्स आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे, फ्रंट व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को इसमें मिलता है, और आगे बढ़े तो यहाँ टेलीस्कोपिक देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक विथ CBS देखने को मिलता है, अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, और ये जो है वो ट्यूब टाइप टायर में आती है, हाँ ये ट्यूबलेस टायर में नहीं आती है। हालांकि जो HF डिलक्स है वो भी आपको ट्यूबलेस टायर में नहीं आते, उसके कुछ वेरिएंट्स आए थे बट वो भी ट्यूब टाइप टायर में ही आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ें तो यहाँ पे देखते हैं तो ये कैसी लग रही है आपको, 2/75/17 का टायर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है, यहाँ पे अभी लेग गार्ड नहीं लगा हुआ है तो लेग गार्ड लगता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। 100 सीसी की बाइक है, इस तरह से आपको 4 गियर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इस तरह से ओपन एरिया और ये आपको इंजन इससे में खड़ा इंजन जो है वो देखने को मिलता है, उसमें आपको वो एक सोया हुआ सा इंजन होता है वो देखने को मिलता है, और ये आप देखिए इस तरह से डिज़ाइन इंजन का वायरिंग्स कुछ इस तरह से दिखाई आपको देंगी, और ये कुछ इस तरह से बाइक आपको लेफ्ट हैंड साइड से दिखाई देती है, साइड स्टैंड विथ कट ऑफ स्विच, सेंटर स्टैंड, गियर 4 और जैसे सिंगल साइड गियर शिफ्टर का नॉब भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, एक हॉर्न के साथ मिलती है, लगभग 8 से 9 लीटर आपका फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, और हैंडल बार जो है वो खड़ी हैंडल बार दिए गए हैं, तो हैंडल थोड़ा सा आपका सीट से गैप है तो आपको 3 लोगों को बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि 2 लोग ही बैठाना चाहिए। मैं साइज़ का एक कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको क्योंकि टैंक बिल्कुल ही फ्लैट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आए तो किक स्टार्ट और राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे मोबाइल फिल्टर भी देखने को मिलता है बिल्कुल, जो कि अच्छी बाइक्स में बड़ी बाइक्स में देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि आपको हीरो की बाइक्स में मिसिंग है, क्योंकि ये जो है वो जैसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इंजन जब चलती है तो थोड़ा सा जो है वो लोहा का जो पार्टिकल्स है वो कलेक्ट होते हैं तो वो इंजन में वापस घूमते रहते हैं, लेकिन जिसमें मोबाइल फिल्टर होता है उसमें जो है वो जो थोड़ा सा आयरन यानी लोहा का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, जिसके कारण आपकी इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। तो इंजन में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का स्टार्टर बटन यहाँ पे दिया गया है तो सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट होती है, जैसे SP जो है वो साइलेंट स्टार्ट होती है, वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देखिए कि ये साइलेंसर इस पर कोई कवर नहीं लगाया गया है, बजट बाइक वाली चीज़ें हैं तो यहाँ पे जो कवर होता है या फिर प्रोटेक्टर होता है उसको हटा दिया गया है, हालांकि लेग गार्ड लगने पर ये अपने आप कवर हो जाएगी, ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। ब्रेक कुछ ऐसे दिए गए हैं इसमें, यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम जो है वो लगाया गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो जो साइलेंसर है काफ़ी पतला है, हालांकि इस बाइक के साइज़ के अनुसार काफ़ी परफेक्ट जो है मैच कर रहा है, और यहाँ पे देखें तो इसको कवर इस तरह से किया गया है, और ये टेस्टेड वाली बाइक है तो काफ़ी चली हुई है तो कहीं कहीं आपको गंदा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अच्छा है कि मैं आपको टेस्टेड वाली बाइक के बारे में दिखा रहा हूँ कि कुछ चलने के बाद भी बाइक जो है वो कैसी लगती है। और यहाँ पीछे में देखें तो पीछे का भी डिज़ाइन ग्रैबरेल जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो रबर लगा के कुछ बांधने में भी आपको बनेगा, तो लंबी सीट है तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा, जो कि HF डिलक्स से थोड़ी सी है ज़्यादा लंबी सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, या फिर आप स्प्लेंडर से भी बात करें तो ज़्यादा लंबी सीट मिलती है, तो अगर आप टायर के साथ यानी कि ट्यूबलेस टायर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ये आपको ट्यूब टाइप टायर के साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको ESP टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि होंडा आपको देता है ज़्यादा अच्छी माइलेज के लिए। बाकी आ जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे क्या क्या आपको चीज़ें मिल जाती है, जो इसका मीटर है तो वो आपको एनालॉग देखने को मिलेगा, इस तरीके से कुछ देखने को मिल जाते हैं मीटर। यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट, इंडिकेटर, हाई बीम, फ्यूल जिस तरह से स्प्लेंडर में देखने को मिलता है वही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टार्टर बटन देखने को मिल जाएगा, तो स्टार्टर हम स्टार्ट करके देखते हैं कैसा करते हैं। यहाँ पे क्लच, इंडिकेटर, पास स्विच यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, पास स्विच ऐसी ही बाइक में होना चाहिए जो बाइक सच में ओवरटेक कर सके। 100 सीसी बाइक है तो थोड़ा सा स्पीड जो है वो कहीं कम ही मिलता है, इसी कारण से उसमें पास स्विच जो है
कहीं ना कहीं नहीं दिया जाता है। आप 125 से मतलब ज़्यादा 100cc में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक्स होती हैं, उसमें आपको 5 फीट ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि इसका प्राइस कम से कम रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिसिंग नज़र आएंगी। बाकी इंजन का साउंड आप सुनिए कि इंजन का साउंड कैसा आपको लग रहा है। थोड़ा तेज करता हूँ मैं, जो आवाज़ कर रहा है ये नट है, अभी थोड़ा सा ढीला है तो वो आवाज़ कर रहा है। साइलेंसर का साउंड सुनिए कि ये कैसा साउंड कर रहा है। बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा साइलेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ HF Deluxe के कंपैरिजन में बराबर बराबर का जो है साउंड है, जैसा HF Deluxe का है वैसा ही साउंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ कवरिंग देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपका जो है वो प्लास्टिक का देखने को मिलता है, चैन कवर पूरा प्लास्टिक का है। कितना शांत हो गया इंजन का RPM, जब इंजन गर्म हो गया तब, अब सुनिए तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा आपको। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये लेना चाहते हैं बाइक तो आपको क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं 5 बातें बताता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप ट्यूब टाइप टायर के साथ जाना चाहते हैं तो एक इस दाम में काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, आपको कोई ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब से फ्यूल इंजेक्शन यानी BS6 और BS6 स्टेज 2 आया है उस समय से होंडा जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसमें, क्योंकि होंडा की इस चीज़ों में जो है शिकायत नहीं आ रही है, जो कि काफ़ी कंपनियों में ये शिकायत जो है आई थी और अभी भी आ रही है, लेकिन इसमें ये शिकायत नहीं है क्योंकि होंडा एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल पहले से बनाती है, तो उसके कारण से ये चीज़ें जो है इसकी ज़्यादा परफेक्ट है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है, तो आप ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते हैं। आप 40-50 हज़ार रुपये की सेकेंड हैंड बाइक लेना चाह रहे हैं स्प्लेंडर, उसके मुकाबले ये आपको 75 हज़ार रुपये में काफ़ी बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके सामने है। चौथी पॉइंट ये हो जाती है कि आपको साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, तो आप 80 हज़ार रुपये की कोई बाइक लेते हैं उसके मुकाबले ये 75 हज़ार रुपये में आपको सीट की लंबाई ज़्यादा ऑफर अच्छी कर देती है। पांचवा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्विस होंडा का जो है वो काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू इसके कंपटीटर्स। तो सर्विस अगर आप ज़्यादा अच्छा आप चाहते हैं क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस आपको ज़्यादा अच्छा मिले तो भी आप होंडा में जा सकते हैं। तो ये 5 कारण भी मैंने आपको बता दिए कि इस बाइक को आपको क्यों लेना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप इस बाइक को जाके एक बार टेस्ट राइड लीजिए और मुझे ही बताइए कि आपको ये बाइक कैसी लगी, क्या सच में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अपने ओपिनियंस। मैं आपको एक दो डाउन पॉइंट्स इसकी बता देता हूँ कि काफ़ी अंडर पावर बाइक है, तो आपको अगर कोई अच्छी बाइक चलाने की 125 सीसी की आदत है तो उसके सामने थोड़ी सी कमजोर लगेगी, लेकिन जो नॉर्मल 100 सीसी में जो बाइक आती हैं उन सभी के बराबर ही आपको देखने में लगेगी। ये थोड़ी सी हल्की बाइक है, लगभग 99 से 100 केजी की आती है, तो बाकी अगर कंपटीटर्स को देखें तो 108 केजी की आती है, 105-6 केजी की आती है, तो 6-7-8 केजी 10 केजी के आसपास ज़्यादा वजन उनका है। तो आप फुल टैंक रखते हैं तो आप फिर बराबर वजन पे आ जाते हैं उन लोगों के मुकाबले। इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इसमें मोबाइल फ़िल्टर मिलता है, बाकी कंपटीटर्स में आपको मोबाइल फ़िल्टर नहीं मिलता है। तो इन सभी क्वालिटीज़ के साथ अच्छा बुरा इस सबके साथ मैंने आपको बताया कि आपको बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। होपफुली आपको सब कुछ बेहतर से समझ में आया हो। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये बाइक खुद टेस्ट राइड करके देखना चाहते हैं तो पुन में मैंने इस बाइक को अभी टेस्ट राइड करके देखा है, काफ़ी अच्छी चलती है, आप भी आके देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको सामने और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने को। जाइए, बात कीजिए, खुद चलाइए और मुझे बताइए कि आपको ये बाइक कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।